ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है, आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा। तो आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखना, बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप एकदम कर पाओगे, ठीक है? तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सबको सबसे पहले ये करना गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। सो गाइस अब क्या करना, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? एंड गाइस यहाँ पे मॉडल को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है इसमें, ठीक है? अपने मॉडल को लगा के सीधा डन नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको करना क्या, गाइस देखिए थोड़ा सा ना मतलब जिसमें कुछ पार्ट्स हैं जो हमें इरेज करना है, तो पहले मैं उसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं फटाफट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है, ठीक है? एंड बाकी जो गाइस ये बैकग्राउंड इरेज जो है मैंने मॉडल का पहले से ही कर रखा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड जिसको नहीं आता बैकग्राउंड इरेज करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वो भाई जाकर वीडियो को वॉच कर लेना। दो तीन वीडियो में मैंने लिंक दे रखे, ठीक है? तीनों चारों वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके से समझा रखा है कि कैसे एडिट मतलब इरेज करना आपको बैकग्राउंड, ठीक है? तो आप लोग देख लेना वीडियो को जाके। अब गाइस देखिए अब आती है हमारे मॉडल की, ठीक है? तो मॉडल को आप यहाँ पे कुछ स्टेप से आपको साइज वगैरह रख लेना है। एंड उसके बाद आपको मॉडल में चेंजेस क्या करना है आपको, गाइस देखिए यहाँ पे से आपको जो मॉडल है पीछे जो स्मोक दिख रहा है गाइस आपको, उसमें आपको अपने मॉडल को ऐड करना है। तो उसके लिए करना आपको जाना इरेजर टूल में, इरेजर लेना, हार्डनेस ओपेसिटी जो यहाँ पे आपको कम कर लेना है, एंड ब्रश का जो साइज है वो अपने हिसाब से रख लेना है। फिर उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो को जूम करना है, फोटो को जूम करने के बाद जो है साइड से आपको ऐसे इरेज करना है, ठीक है? हल्का हल्का मतलब ओपेसिटी जो हार्डनेस है ना वो कम ही रखना है, ठीक है? अगर ज़्यादा रखोगे तो गाइस वो पूरा इरेज हो जाएगा, एंड उसके बाद जो है फोटो मतलब कट जाएगी वहाँ से, तो आपको हल्का हल्का रखना है। एंड जो उसके बाद जो आपको साइड साइड से ऐसे इरेज करना है, ठीक है? एंड जब आप ऐसे इरेज करोगे तो मतलब आप जब पूरा इरेज कर लोगे तो उसके बाद आपका जो मॉडल है वो दिखेगा कि मतलब आपका मॉडल जो है स्मोक में खड़ा है, ठीक है? ये चीज़ गाइस मैं आपको ना स्मोक का पीएनजी देके भी मैं सिखा सकता था, बट गाइस इससे क्या है कि इससे ज़्यादा ना मतलब एकदम बेटर लुक आएगा। उससे क्या होगा, अगर मैं पीएनजी वगैरह दे दूंगा ना तो आप लोग जो है मतलब पीएनजी कुछ जो आपके फेस के ऊपर आएगा, कुछ मतलब कि आपकी बॉडी के ऊपर जाएगा, तो उससे क्या है कि जो मॉडल है वो बेकार दिखेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा अच्छा सा बताया। इससे क्या है कि आपकी एडिटिंग के जो प्रैक्टिस है ना वो भी हो जाएगी, एंड इससे जो आपकी फोटो भी मतलब एक अच्छी एडिट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी देखिए गाइस हमने जो यहाँ पे इतना कर लिया, अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए हमारा जो ये मतलब इरेज करने के बाद जो हमारा मॉडल किस टाइप का बना है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे डन किया, एंड गाइस आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा मॉडल जो वहीं खड़ा है एंड पीछे से स्मोक आ रहा है। बट गाइस अभी हम इसमें ऐड फोटो में जाके एक मतलब शेडो भी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड इसको ले लेना है, एंड उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपको साइज इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद ऐसे रख देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे फोटो को इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज इंक्रीज कर देना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद जो आपको यहाँ पे ऐसे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फटाफट शेडो क्रिएट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस यहाँ पे हमने शेडो वगैरह भी बना लिए, तो अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको जाना है ऐड फोटो में अगेन, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक स्मोक का पीएनजी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको उसको ऐड कैसे करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन करना है एंड इस टाइप से, एंड उसके बाद जो आपको उसको नीचे की तरफ ले जाना है एंड एकदम एंड में रखना है, ठीक है? इस तरीके से। एंड उसके बाद इसका जो ऊपर से साइज इंक्रीज़ कर देना है, एंड उसके बाद जो आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है। तो गाइस देखिए अब जो हमारे यहाँ पे पिक्सल का जितना भी काम था हमने यहाँ पे कर लिया है। अब गाइस बात आती है हमारी कलर क्रिएशन की, तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे पहले अपनी फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है? एंड उसको कलर क्रिएशन करने के लिए आपको उसको लाइट रूम ऐप में ले जाना है। सो लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको जाना है स्लाइट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस आपको इसको यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे हल्का सा जो है मतलब यहाँ पे इंक्रीज नहीं माइनस इसके इंक्रीज कर लेना, ठीक है? फिर उसका जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे हल्का सा आपको कम कर देना है, ब्लैक को इंक्रीज कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ा देना है आप सभी को, एंड टेम्परेचर जो हल्का सा कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, एंड जो लुमिनस है इसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना येलो कलर में, आपको इसका जो ह्यू है इसको यहाँ पे प्लस कर देना है, जो सैचुरेशन है इसको भी प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको जिसका सैचुरेशन है वो भी माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आपको कर देना सिंपली डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी दिख रही है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, एंड इसके नीचे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट आपको उसको भी बढ़ा देना है।
फिर उसके बाद जाना आपको वहाँ पे नीचे वाले टूल में, आपको वहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट है उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे जो कलर नोट है आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।